चाहते हैं साफ सफाई होनी चाहिए, हाँ उसी तरह इसको भी साफ रखा जाए। ऐसा नहीं कि दिल्ली से हट गया है, तो दिल्ली के अंदर ही। और इधर कितना गंद फैला पड़ा है, मतलब कोई हमें और बच्चों के लिए, आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए सेफ रहना बहुत जरूरी। नमस्कार, भारत न्यूज टीवी पर चैंट, दिल्ली क्या मांगता है। यार हम आज पहुंचे हैं दिल्ली के लोगों से जानने के लिए कि दिल्ली के लोग क्या मांगते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज मैं मौजूद हूँ द्वारिका मोड़ में, और मैं मोहित और मेरे साथ कैमरामैन गौरव। हमारा द्वारिका मोड़ इतना साफ सुथरा है कि चारों तरफ हमें खूबसूरती के पहाड़ दिखाई देते हैं। भाई फ्रेग्रेंस तो ऐसी आती है कि मानो गुच्ची का परफ्यूम भी फैला है। तो मैं जानता हूँ आम लोगों से वो क्या कहना चाहते हैं और वो क्या मांगते हैं। नमस्कार भैया जी, कैसे हो आप? बढ़िया। तो आप देख रहे हैं कि हमारा द्वारका मोड कितना साफ सुथरा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्या अनुरोध करेंगे सरकार से? सरकार से ये कहना चाहूंगा, जो कि जैसे और दिल्ली की जगह और जैसे साफ रहता है, जैसे कनॉट प्लेस होगा, सीपी होगा, नई दिल्ली होगा, उसी तरह इसको भी साफ रखा जाए। ऐसा नहीं कि दिल्ली से हट गया है, तो दिल्ली के अंदर ही। हाँ, ये दिल्ली का ही भाग है, जैसे हम नई दिल्ली को देखते हैं, पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में उसको प्रेजेंट किया जाता है। इन एरियो को क्यों छिपाया जाता है? तो आप क्या अनुरोध करेंगे कि हमारा जो द्वारका मोड़ है वो भी चमके? हाँ, मैं भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे और जगह दिल्ली साफ रहती है, इस तरह यहाँ पे भी साफ रखा जाए। तो यार दिल्ली के लोग मांगते हैं कि हमारा जो ये खूबसूरती का पहाड़ है जल्दी से जल्दी हटाया जाए और उसको भी नई दिल्ली की तरह बनाए। तो चलिए और भी जानते हैं हमारे व्यूवर से कि दिल्ली क्या मांगता है। आइए हम जानते हैं हमारी आम जनता से। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे हमारी सरकार से कि कितना साफ सुथरा है हमारा द्वारका? ये साफ सफाई आपको पसंद है क्या? आप चाहते हैं साफ सफाई होनी चाहिए, कैसा होना चाहिए हमारा द्वारका? गंदी पड़ी हुई है सारी, तो सफाई होता ही नहीं है। सफाई होता ही नहीं है, मतलब कभी कभार होती है, वो भी ढंग से नहीं होती है। अच्छा, तो मतलब आप चाहते हो कि आपका द्वारका नई दिल्ली गुरुग्राम वो सफाई बढ़िया होना चाहिए। तो आप लोग भी देख रहे हैं कि हमारे द्वारका के लोग सरकार से कामना कर रहे हैं कि उनका भी द्वारका ऐसा चमके जैसे नई दिल्ली, और उसकी तस्वीर भी पूरे वर्ल्ड में दिखाई जाए। तो हम चल जी धन्यवाद सर आपका। तो हम चलते हैं और लोगों से जानते हैं कि उन्हें द्वारका कैसा चाहिए। जैसा कि आप लोगों को पता है और आप देख रहे हैं दिल्ली क्या चाहता है, हम आपको दिल्ली की खूबसूरती दिखा रहे थे। हम द्वारका मोड़ के एक इलाके में आकर पहुंचे हैं। आप देख सकते हो कि कितनी खूबसूरती है हमारी द्वारका की। जैसे न्यू दिल्ली और गुड़गांव को चमकाया जा रहा है, वैसा यहाँ पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो आइए हम जानते हैं एक हमारी प्यारी सी जो श्रोता है वो हमें बताएंगी और कुछ। नमस्कार मैम। नमस्कार। मैम आपका नाम? मेरा नाम मिसेज राजकुंद्रा है। राजकुंद्रा भी जी, इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है कि वो मुंह ढकने पर भी व्यस्त हो चुकी है। तो आप क्या कहना चाहेंगी हमारी सरकार को जो आपके द्वारका को इतना सुंदर बना रखा है? आप ये देखिए ना, यहाँ से कनेक्ट 20 मीटर की दूरी पे ही हमारा शायद द्वारका मोड़ का रोड है, और इधर कितना गंद फैला पड़ा है, मतलब कोई व्यवस्था नहीं है, कोई कूड़े वाला नहीं आता, अगर आता भी है तो बाहर के लोग यहाँ पे कितना इकट्ठा कर देते हैं कूड़ा। मतलब मुझे तो समझ ही नहीं आता गवर्नमेंट या सरकार कर क्या रही है। मतलब एक नॉर्मल सी, एक जो रोजमर्रा की जिंदगी, पानी, बिजली, गंदगी, उसको भी साफ नहीं कर सकती, तो फिर तो भगवान भरोसे ही चल रहा है ये देश। तो मेरे को मतलब इस रोड से निकलते हुए भी बहुत सोचना पड़ता है कि इधर से, और बरसात मतलब स्टेप बाय स्टेप वहां तक निकल पाते हैं क्योंकि इतना पानी भर जाता है, यहाँ नालियां साफ नहीं हो रही, इतनी गंदगी है कि हम मतलब रास्ता ही बदल लेते हैं, लेकिन जब दूसरा रास्ता देखते हैं वहां भी इतनी गंदगी होती है। तो ये हंसी का टॉपिक नहीं है, लेकिन मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि एक नॉर्मल सी लाइफस्टाइल भी हमें गवर्नमेंट नहीं दे पा रही। क्यों नहीं दे पा रही, अब ये तो ऊपर वाला ही जाने। वैसे आप देख रहे हो कि पूरे वर्ल्ड में दिल्ली की छवि को ऐसे दिखाया गया है कि दिल्ली से जैसा बड़ा शहर कोई सुंदर है ही नहीं है, तो वो असलियत क्यों छुपा रही है सरकार? ये इतने खूबसूरती देखो, यहाँ पे खड़े होते हुए भी हमें दिक्कत हो रही है और आपको भी इतनी परेशानी हो रही है। आप तो यहाँ पे हर रोज आते जाते हो, तो आप लोगों की इतनी परेशानी है, ये मक्खी आपके घर पे जाती है, आपके खाने में जाती है, कितनी बीमारियां फैला रही है। आप ये यकीन करेंगे कि मतलब राजधानी बोला जाता है, लेकिन मैं इसको 100 में से 1 पॉइंट भी नहीं देना चाहूंगी, जिस हिसाब से इतना ट्रैफिक, कूड़ेदान, गंदगी, मच्छर, मक्खी, मतलब जिसे मैं शब्दों में बयान ही नहीं कर सकती कि इतनी गंदगी है। अभी आप द्वारका मोड़ पे खड़े हो, जब ये हाल है, आप आगे जाओगे वहां भी कूड़ों का ढेर पड़ा हुआ है, आप इससे आगे जाओगे नवादा में, वहां तो पानी भरा पड़ा है। अभी मैं पानी पार करके ही आ रही हूँ, हालांकि रिक्शे में बैठी थी, लेकिन साथ वाली गाड़ी निकलते हुए इतने छींटे मार के गई है, साथ में भी पानी भरता है, दूसरा नवादा के आप
पार करोगे वहाँ भी इतना पानी, रोड पूरे बने नहीं हुए, इतने गड्ढे हैं कि रिक्शे वाले को स्पेशल बोलना पड़ता है कि भाई धीरे चलाना गड्ढों से बचा के, क्योंकि मैं मेरी सर्जरी हुई है और वो बेचारे धीरे कहता बेटा हम धीरे भी कैसे चलाएं, गड्ढे ही इतने, अब क्या किया जाए। मतलब ग्रेट जो मिलना चाहिए कि राजधानी जो है, बाहर से लोग आए कि राजधानी में आया दिल्ली, ऐसा एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है कि जिससे कहा जाए कि राजधानी है ये। तो धन्यवाद मैम, आपने हमारा इतना सहयोग दिया, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने देखा कि दिल्ली क्या चाहता है, दिल्ली तो साफ सफाई मांग रही है, देखते हैं कि हमारी गवर्नमेंट कब इस पे एक्शन लेगी, इसको नई दिल्ली की तरह कन्वर्ट करेगी। तब तक के लिए आप जुड़े रहे, देखते रहे भारत न्यूज़ टीवी। मैं मोहित, कैमरामैन गौरव के साथ।